this is Anamik and welcome to Metro TV. Superstar Rajinikanth ki most awaited film Kabali 22 July ko release ho gayi hai. Ye to aksar media mein aata rehta hai ki Rajinikanth South Indian cinema ke sabse mehenge actor hai. Aur film Kabali ke liye Rajini ne achhi khasi fees li hai. Waise Rajinikanth ke saath saath South ke kai aise actor hai jinka naam highest paid list mein shamil hai. Kaun hai wo? Dikhate hain is khas report mein. खबरों के मुताबिक कबाली फिल्म के लिए रजनीकांत ने 50 से 60 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। अगली फिल्म 2.0 के लिए उनकी फीस 60 करोड़ रुपए हैं। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ने तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। रोबोट, मुत्तु, चंद्रमुखी और शिवाजी उनकी कुछ मेन फिल्में हैं। उन्होंने हिंदी में 5, अंधा कानून, बुलंदी, खून का कर्ज, इंसानियत का देवता और गैरकानूनी जैसी कई फिल्में की हैं। वो पिछले 40 सालों से फिल्मों में काम कर रहे हैं और साल 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं। सुपरस्टार रजनीकांत के बाद साउथ में हाईएस्ट पेड 25 से 30 करोड़ रुपए कमल हासन लेते हैं। वैसे तो साउथ में तमिल फिल्मों के सुपरस्टार हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी में भी कई सुपरहिट फिल्में की हैं। तमिल में उन्होंने नायकन, विजिलेंट फिल्म इंडियन, विरुमंडी और विश्वरूपम में काम किया है। हिंदी फिल्मों की बात करें तो एक दूजे के लिए, सागर, चाची 420 और हे राम जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। साउथ एक्टर विजय तमिल फिल्मों के एक्टर हैं। एक्टर के साथ ही वो एक अच्छे सिंगर भी हैं और कई फिल्मों में गाने गा चुके हैं। उनकी कई हिट फिल्में हैं, थुपाकी, कथी, पोकरी, थेरी हैं। इनकी फीस हाई है, एक फिल्म का 25 करोड़ रुपए लेते हैं। डायरेक्टर प्रोड्यूसर एस ए चंद्रशेखर उनके पिता है। विजय ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 6 फिल्मों में काम किया है। विजय पिछले 3 सालों से फोर्ब्स इंडिया के टॉप 50 सेलेब्स की लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार अजीत कुमार अब तक 4 फिल्म फेयर जीत चुके हैं। इनकी फिल्म फीस 20 से 25 करोड़ रुपए हैं। उन्होंने कादल, कत्तई, वाली, सिटीजन, वारालारू और बिल्ला जैसी फिल्मों में काम किया है। पिछले साल वे अपनी वेदलम को लेकर चर्चा में थे। प्रभास तेलुगु फिल्मों के जाने माने स्टार है। बाहुबली ने उन्हें हिंदी ऑडियंस के बीच भी पॉपुलर कर दिया है। ये जनाब भी अपनी फीस 20 करोड़ रुपए रखते हैं। वो मशहूर एक्टर उपलापति वेंकटा कृष्णम राजू के भतीजे हैं। साल 2002 में फिल्म ईश्वर से करियर शुरू करने वाले प्रभास ने छत्रपति, डार्लिंग, मिस्टर परफेक्ट, रिबेल और मिर्ची जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। तेलुगु फिल्मों के एक्टर पवन कल्याण फिल्म डायरेक्टर, सिंगर, कोरियोग्राफर, स्क्रीन राइटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, पॉलिटिशियन और मार्शल आर्टिस्ट है। पवन चिरंजीवी के छोटे भाई हैं। पवन कल्याण की मेन फिल्में खुशी, जलसा, गब्बर सिंह, गोपाला गोपाला और सरदार गब्बर सिंह जैसी हिट फिल्में दी हैं। इनकी फिल्मों में फीस 18 करोड़ रुपए हैं। मार्च 2014 में जन सेना पार्टी बनाकर राजनीति में आए तमिल फिल्मों के एक्टर सूर्या फिल्म प्रोड्यूसर और टेलीविजन प्रेजेंटर भी हैं। साल 2010 में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म रक्त चरित्र में काम किया था। फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट न्यूकमर का स्क्रीन अवार्ड मिला था। इनकी फीस भी 18 करोड़ रुपए है। और साउथ में महेश बाबू भी खूब हिट हो रहे हैं। बता दें कि महेश बाबू बॉलीवुड एक्ट्रेस रही नम्रता शिरोडकर के पति भी हैं। महेश बाबू 4 बार साउथ की फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं। ये जनाब भी फिल्मों में फीस के तौर पर 16 करोड़ रुपए लेते हैं।
विक्रम को साउथ में खासकर तमिल फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्होंने सेतु, सामी, कंदस्वामी, अन्यम जैसी फिल्में की हैं। पिछले साल उनके रोमांटिक थ्रिलर आई फिल्म भी सुपरहिट रही थी। बता दें कि विक्रम 6 बार फिल्मफेयर अवार्ड और 1 बार नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। विक्रम फिल्मों में काम करने के 12 करोड़ रुपए लेते हैं। चिरंजीवी की तरह ही उनके बेटे रामचरण तेजा ने भी साउथ खासकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा नाम कमाया है। उन्होंने चिरुथा, नायक, येवाड़ू और ब्रूस ली द फाइटर जैसी हिट फिल्में दी है। हालांकि हिंदी में उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। 2013 में उन्होंने जंजीर में काम किया था जो बुरी तरह फ्लॉप हुई। अल्लू अर्जुन तेलुगु फिल्मों के फेमस एक्टर है और रामचरण तेजा के कजिन भाई और चिरंजीवी के भतीजे हैं। आर्या परुगु, आर्या टू वेदम और रेस गुर्रम जैसी फिल्मों के लिए उन्हें 3 बार साउथ फिल्मफेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल चुका है। अल्लू अर्जुन 10 करोड़ रुपए लेते हैं। फोर्ब्स इंडिया की साल 2015 के टॉप 100 सेलेब्स की लिस्ट में अल्लू टॉप 50 में शामिल थे। फिलहाल इस शो में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बी विद मेट्रो टीवी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।